इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन होगा एजुकेशन का, फर्स्ट सेम का, एजुकेशन मीनिंग कंसेप्ट, इंडियन एंड वेस्टर्न कंसेप्ट। इस वीडियो में करेंगे हम वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, वेस्टर्न अप्रोच ऑफ एजुकेशन या डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन बाय वेस्टर्न थिंकर्स, फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट। क्वेश्चन का आंसर जो शुरू करना है, आप एक कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, कोटेशन जो आगे हमने डेफिनेशंस लर्न करनी है उनमें से भी आप निकाल सकते हो। मैंने दो उनमें से निकाली हुई हैं और दो एक्स्ट्रा दी हुई हैं, आप एक को चूज करोगे। फर्स्ट, प्लेटो, इफ मैन निग्लेक्ट्स एजुकेशन ही वॉक्स लेम टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। प्लेटो ने क्या कहा था, यदि कोई व्यक्ति शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह अपने जीवन के अंत तक लंगड़ा कर चलता है। तो इसका आप प्लेटो के प्लेट में एक बिंब बना सकते हो, वो लंगड़ा व्यक्ति चल रहा है, ऐसे याद भी रख सकते हो। जॉन डीवी की जो डेफिनेशन है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, इसकी बात आगे भी आएगी, यहाँ पर छोड़ रहे हैं। पेस्टोलॉजी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों टीईटी में, इसलिए शुरू में डाले गए हैं, है ना। जन्मजात शक्तियों की बात करते हैं, तो ये एक और कोटेशन है हॉवर्ड गार्डनर की, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। यदि आपको लगता है कि शिक्षा महंगी है तो अज्ञानता की कीमत का अनुमान लगाने का प्रयास करें, हॉवर्ड गार्डनर। इफ यू थिंक एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, ट्राई टू एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस। इसके बाद हमारा जो एक कोटेशन देनी है, इसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। आप ये नहीं लिखोगे वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, यहाँ आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में पहली लाइन जो आप लिखोगे वे कि वेस्टर्न कंसेप्ट डायनमिक है, चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, गतिशील है, मल्टीफेसेट, उसकी बहुत ज्यादा डायमेंशंस हैं। तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एंशियंट और ये थोड़ी सी जबरदस्ती भी है, क्योंकि एंशियंट में इसको डिवीजन अगर करनी है, एंशियंट यहाँ आप रख सकते हो और मॉडर्न रख सकते हो। ये मैं आगे बात के जा सेकंड वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि एंशियंट में सिर्फ बिफोर क्राइस्ट वाले सॉक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, है ना, ये इनके टीचर थे, अरिस्टोटल के प्लेटो, प्लेटो के सुकरात, ये टीचर थे। ये एंशियंट में तीन थिंकर आ रहे हैं और इंट्रोडक्शन में इन तीनों की सिर्फ बात कर सकते हैं आप, के रूट्स इसकी क्लासिकल सिविलाइजेशन में है एक बात, ग्रीक और रोमन सोसाइटी में है दूसरी बात, और जो आइडियाज इसमें एंशियंट वेस्टर्न कंसेप्ट में हैं वो क्या हैं, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल, यूनिवर्सल आइडियाज, ब्यूटी एंड परफेक्शन, ट्रुथ एंड हैप्पीनेस, इसकी बात की है, ये टोटल हो जाता है। हिंदी में हम बात करेंगे बौद्धिक एंड नैतिक गुणों, सार्वभौमिक विचारों की, सौंदर्य और पूर्णता की बात, और सत्य और खुशी की बात, यही इन बातें इनकी डेफिनेशन में रिफ्लेक्ट होगी। मॉडर्न वेस्टर्न में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बन गया है अब जो मॉडर्न है, स्ट्रक्चर्ड जो बेल सिस्टम है। आप ये देखिए, जब इंग्लिश लोग यहाँ इंडिया में आए थे, बेल सिस्टम, स्कूल में बेल होती है ना, वो सिस्टम इंग्लिश लोगों ने दिया है हमें। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ लर्निंग है, इसमें जो मेन बातें हैं, यूनिवर्सल असेस, सभी को एजुकेशन मिल जाए, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, सेम करिकुलम टू ऑल, लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन भी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज वाले अप्रोच ने कर दी है, पियाजे, वेगोस्की, ब्रूनर, है ना, जॉन डीवी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी, इस पर जोर दिया है। ये इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। हिंदी में आलोचनात्मक, अच्छा, सर्वभौमिक पहुंच, सभी तक पहुंच जाए एजुकेशन, है ना, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी जोर दिया है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और तकनीकी क्षमता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में बात करके अगर एक और लाइन लिखना चाहते हैं तो आप जॉन डेवी की अवधारणा को मैक्सिमम, जो जीवन के साथ उनको जोड़ते हैं, उसकी बात कर सकते हैं, जो पहले भी करके आए हैं। एंशियंट और मॉडर्न के कंसेप्ट को, वेस्टर्न कंसेप्ट को डिस्टिंक्शन करने के लिए आप डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम के लिए मेन ये तीन वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हिंदी में ये वाले वर्ड यूज कर सकते हैं। डायग्राम कैसे बनाना है, ये वर्ड्स आपने सर्कल लगा लिया, ये ब्यूटी एंड परफेक्शन, बीपी मैंने याद रखा, यूआई, यूनिवर्सल आइडियाज और ट्रुथ एंड हैप्पीनेस, उसके बाद आपने यहां से एरो दे दिए कि ये
एंशियंट वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, ये रहा। इसके बाद सेकंड आप अगर मॉडर्न वेस्टर्न कंसेप्ट को इलुस्ट्रेट करना चाहते हो तो ये मैंने याद कैसे रखा, लाइफ च, एल आई एफ, लाइफ च विच, है ना, जॉन डेवी की जो है कोटेशन, एजुकेशन एज लाइफ, ये हो गया। और उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट कल्टीवेशन एंड ह्यूमैनिटी, ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आगे चल के डेफिनेशन में भी रिपीट। हिंदी वाले इनको ये शब्द जो है सिर्फ जो पीछे दिखाए गए हिंदी में लिख सकते हैं, तो आपका डायग्राम हिंदी में बन जाएगा। अब इस पार्ट में करेंगे कि इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जो इंग्लिश या वेस्टर्न जो भाषाएं हैं उनमें से जो निकला है, पिछले में किया था इंडियन भाषाओं में से निकला है, तो ये टेबल बनाया है सारा लतीनी भाषा वाला है, और डिफरेंट जो अगली भाषाएं होंगी उनका डिफरेंट टेबल है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीईटी में बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट, मूल शब्द यहां रखा हुआ है किस भाषा से निकला हुआ है, और इसका मीनिंग क्या है इस शब्द का, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। एक्सप्लेनेशन आप खुद भी दे सकते हो, यहाँ पर हम बात ऐसे करेंगे। सबसे पहले सीयर को रखा है, एजुसियर, तो किस भाषा से निकला है, मैंने ऐसे जोड़कर याद किया है, अगर आपको ठीक लगे आप भी याद कर सकते हो। लेटिन भाषा से, लेटिन से लीड आउट, डी को मैंने याद रखा, डी से जोड़ दिया इसको, ड्रा आउट हिंदी में है बाहर निकालना या बाहर ले जाना। बाहर क्या निकालेंगे, बंदे के अंदर कुछ अंदर छुपा हुआ है तो बाहर निकालेंगे ना, बाहर क्या छुपा हुआ हो सकता है, उसका टैलेंट, नॉलेज एंड एबिलिटीज, उसकी प्रतिभा, ज्ञान, क्षमताएं जो छुपी हुई हैं, एजुकेशन ने मार्गदर्शन करके उसको बाहर निकालना है, ये पहला मीनिंग बना है। दूसरा एजुकेयर है, ये ईजी है। इजी क्यों है, क्योंकि इसके शब्द को जब तोड़ते हैं एजू केयर, केयर का मतलब सीधा बनता है नॉरिश करना, हाँ हिंदी में पालन पोषण करना, हाँ दूसरा इसका ब्रिंग आउट भी बनता है बाहर निकालना, जो पहले से मैच करता है, लेकिन डिफरेंस वाले पर फोकस करोगे तो ज्यादा याद रहेगा। अब पालन पोषण करने से क्या मतलब है, कि जो अंदर क्षमताएं, एबिलिटीज, उसको नर्चर करना, उसको पोषित करके उसके उसको बाहर निकालना है, ये मीनिंग लगभग थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। तीसरा है एजुकेटम, तो ये एजुकेटम पर टी डोमिनेट कर गई है, इसमें टी को मैंने बड़ा लिख लिया, टी से क्यों बड़ा कर लिया, कि एजुकेटम का मूल शब्द, इसका मीनिंग जो बन रहा है, जो याद रखना टीईटी और इस एग्जाम में जरूरी है, टी से टी को मैच कर दिया, और वो मना एक्ट ऑफ टीचिंग, नंबर एक टी से जुड़ गया। दूसरा ट्रेनिंग है ना, शिक्षण, हिंदी में ये शिक्षण, टीचिंग और प्रशिक्षण, ये जुड़ गए है ना, तो इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन क्या करनी है, फोकसिंग ऑन एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, बस इतनी बात है, शिक्षण और प्रशिक्षण पर जोर देती है। नेक्स्ट है एजुकेटर्स, एजुकेटर्स का कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो मैंने यूएस को निकाल लिया, टस को है ना, यूएस से जोड़ लिया, ब्रिंग अप से, बेशक वो पिछले से रिपीट हो रहा है, लेकिन इससे याद आ गया कि ब्रिंग अप, जहां दूसरा इसका मीनिंग एजुकेट, पालन पोषण करना और शिक्षित करना, जो पहले वाले रिपीट हो रहे हैं। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हो कि इनफॉर्मल पालन पोषण करना होता है, और फॉर्मल रूप में औपचारिक शिक्षा भी इसमें शामिल है, दोनों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन कंसेप्ट इसमें शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशो, अब ये बन गया आई और ये बन गया ओ, मैंने इसको जोड़ा तो ये बन गया बी, बन गया बी से मैंने बना लिया ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग का मतलब है प्रजनन करना है ना, बाकी मतलब पिछले वाले ही हैं, पालन पोषण करना, तो एजुकेटो का मतलब ब्रॉडर बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें पैदा करना और डेवलप करना दोनों शामिल है, और मॉरल कल्चरल एस्पेक्ट इसमें इंडिकेटेड है। तीन और शब्द हैं डिफरेंट भाषाओं में से, उसका टेबल ये है। लैंग्वेज बेसिकली लेटिन है, लेकिन लेटिन मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी जिसमें स्ट्रक्चरल डिवीजन कर लेते हैं। यहां पर क्या किया कि एजुकेशन जो वर्ड था, यहां मैंने एजुकेशन लिखा है ना, तो ये पहली ई को उठाया गया है और डी यू सी को उठाया गया है। ये ई का मतलब क्या बना, फ्रॉम इनसाइड, और डुको का मतलब बना डेवलप, ई मीन फ्रॉम इनसाइड, डुको मीन डेवलपमेंट, हिंदी में अंदर से
विकसित करना, सिंपल सीधा मीनिंग है, आंतरिक विकास करना, भी भाषा में से लिया गया है तालीम, है ना। गांधी जी की वो बेसिक एजुकेशन जिनको उन्होंने नई तालीम कहा था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो तालीम किस भाषा से, किस शब्द से निकला है? जिम, जिम का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। ये पिछले से मैच नहीं करता, डिफरेंट है, है ना। इट मींस कि ये प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हो गई। जिम का मतलब ज्ञान, एजुकेशन क्या हुई, तालीम क्या हुई, ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया। तीसरा है ग्रीक पेडागोजी, कभी कभी इसको भी, पेडागोजी को भी एजुकेशन के समान अर्थ में रखा जाता है, ग्रीक पेडागोजी। पेडागोजी को आप टीईटी में डिटेल में पढ़ोगे, पाइडॉस इससे इसका मतलब है चाइल्ड, एगोस इसका मतलब है लीडर, हिंदी में बच्चा और नेता, पड़ोस का बच्चा याद रखने के लिए, पड़ोस का बच्चा, एगोगोस नेता। इसके क्या मतलब बने? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट, छात्रों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि पेडागोजी की बात आई है, मॉडर्न पेडागोजी के फादर पेस्टोलॉजी हैं, जिनकी आगे बात करेंगे, दैट इज वाई पेस्टोलॉजी की डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इनको क्यों कहा जाता है ये आगे चल के डिटेल में यहां नहीं, किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, एजुकेशन को वाइडर बनाया था। ये मैं प्रूफ दे रहा हूं कि सोक्रेटिक, प्लेटो, अरिस्टोटल, सिर्फ ये तीन आ रहे हैं एंशिएंट वेस्टर्न में, क्योंकि ये देखिए बिफोर क्राइस्ट ईयर लिखे हुए हैं, ये निकाले हैं। नॉर्मली क्यूमनस, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा जाता है, इनकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट होगी, वो पेडागोजी के फादर हैं मॉडर्न के, ये एजुकेशन के, कम्युनिस्ट की ई से एजुकेशन याद रख सकते हो। तो ये देखिए, ये 1500-1700 ईस्वी में रूसो, इनको आप एंशिएंट में नहीं रख सकते। नेक्स्ट वीडियो में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सभी का दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पुराने वेस्टर्न विचारक से अभी तक हम कैसे चले हैं। यहां से हमारा मेन पार्ट वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, वेस्टर्न अप्रोच एजुकेशन शुरू होता है। मेन जो थिंकर फिलोसोफर है उसका सेंट्रल आइडिया है, उसकी डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल है, इतना लंबा नहीं करेंगे, ब्रीफ रखेंगे। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि मैंने 29 जो रखी हुई है, 29 डेफिनेशन यहां रखी है। इतनी क्यों रखी हुई है? क्योंकि ये डेफिनेशन को सिर्फ आपके इस दो इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में ही यूज नहीं है इसने होना। इसको आप कोई और क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ, है ना, तो वहां नेशन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो कोटेशन आप यहां रिपीट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इट मीन्स ये क्वेश्चन इतना लंबा इसलिए रखा गया है, डेफिनेशन इतनी लंबी इसलिए रखी गई है कि आप अपनी च्वाइस से सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ना कर सको। इसी पेपर का कोई और टॉपिक होता है, कोई और टॉपिक होता है, उनमें से एक या दो बनी बनाई पहले से याद कोटेशंस या डेफिनेशंस को आप एज ए कोटेशन वहां यूज कर सको। ऐसे ही इस पेपर के अलावा आपका नेक्स्ट कोई पेपर होता है, उसमें ये कोटेशन हो सकती है, थर्ड पेपर में, फोर्थ पेपर में, फिफ्थ में, पेडागोजी में, जहां भी आपको, है ना, वो इतना हम ब्रीफ कर लेंगे इसको कि जहां भी, फॉर एग्जाम्पल कैसे यूज करनी है वो बताने लगा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लीजिए कंट्री की एक बात आई, है ना, तो एकदम मुझे याद है जबकि मैंने बीएड की है, कौटिल्य का नाम आ गया। नेचर की बात आई, एकदम पाननी का नाम याद आ गया कि पाणिनि नेचर, उसकी कोटेशन याद आ गई। लाइफ एक्सपीरियंस का डीवी की एकदम जो कोटेशन थी, एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ, इतनी कोटेशन भी काफी है। होलिस्टिक आ गई तो आप गांधी की डेफिनेशन दे सकते हो, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन की है, वेदांता की है, उपनिषद की है, परफेक्शन को बाहर निकालना है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है, विवेकानंद जी की है, प्लेयर एंड पेन है, प्लेटो की है। तो ये आप मल्टीपर्पज यूज इसका कर सकते हो। फर्स्ट हमारी जो अब क्वेश्चन शुरू हो चुका है, फर्स्ट प्लेटो, है ना, ये मैंने अरेंज स्पेसिफिकली किए हैं, बाद सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो। सभी याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी आपकी पाचन शक्ति है उतनी ही कीजिए, लेकिन इसका मल्टीपर्पज यूज जिस डेफिनेशन का हो सकता है उसको जरूर पक्का याद कर लीजिए। प्लेटो क्या, सेंट्रल आइडिया इसका क्या है प्लेटो का,
ब्यूटी एंड परफेक्शन, तो ब्यूटी ऐड नहीं होता, प्लेटो से परफेक्शन मुझे याद रहता है, मैंने परफेक्शन याद कर लिया। दूसरा इसकी डेफिनेशन जब पढ़ी मैंने, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड पेन, रेड वाले मेन पॉइंट है, वो सिर्फ वो भी याद कर सकते हो। एट द राइट मोमेंट कल्टिवेटिंग ब्यूटी एंड परफेक्शन इन बॉडी एंड सोल, देखिए महात्मा गांधी की तरह कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, तो मैंने प्लेटो को ऐसे याद कर लिया, परफेक्शन ये होगी प्लेयर और ये पेन है ना, और साथ में ब्यूटी एंड परफेक्शन बॉडी में से भी सोल में से भी, दैट इज व्हाई दिस इज स्पिरिचुअल डेफिनेशन। ये प्लेट पड़ी है, प्लेट में प्लेटो है, वो क्या है, पी फॉर प्लेयर एंड पेन, प्लेयर को आगे आप देख सकते हो, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस एंड परफेक्शन, सॉरी ब्यूटी एंड परफेक्शन। तो ये डायग्राम भी बन सकता है अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां ऐसे करके बॉडी एंड सोल वापस चले गए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी ये काफी है, ये क्या बता सकते हैं इसमें आप के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है और फिजिकल से स्पिरिचुअल की तरफ जाता, प्रैक्टिकल एग्जांपल वर्क ऑफ आर्ट, जो आर्टिस्टिक स्किल जब डेवलप की जाती है तो ब्यूटी से साथ इसको जोड़ सकते हैं। सोक्रेटिस, सोक्रेटिस ये वो इनके स्टूडेंट्स थे, सोक्रेटिस को याद रखने के लिए मैंने वैसे हिंदी में ज्यादा जोड़ रखा है, सुकरात, सुकरात को जोड़ लिया, सर्वभौमिक वैधता के विचार को सामने लाना, तो वो यूनिवर्सल विचार कौन से है, वो ये भी स्पिरिचुअल बात बन रही है, एलिसिटिंग यूनिवर्सल आइडियाज। तो डेफिनेशन क्या है, एजुकेशन मींस ब्रिंगिंग आउट द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी लेटेंट इन द माइंड ऑफ ए पर्सन। बस ये बात है कि इंडियन थिंकर्स ने माइंड शब्द नहीं यूज किया, क्योंकि माइंड में से विचार निकलते हैं, इन्होंने माइंड में से ही जो यूनिवर्सल आइडिया, जो परमात्मा के विचार है, उनको बाहर लाने की बात की है। तो डिस्कवरिंग यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सेंट्रल आइडिया आप जोड़ सकते हो, सर्वभौमिक सत्य को उजागर करना, वो कैसे करेंगे, सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग है, सोक्रेटिक मेथड उसे कहते हैं, थ्रू डायलॉग सोक्रेटिक यूथ से बात करते थे और वो क्वेश्चन आंसर में से जो रियल यूनिवर्सल ट्रूथ था उसको अनकवर कर देते थे। ये एग्जाम्पल दी जा सकती है, लेकिन एग्जाम में लंबी हो जाएगी। तो याद कैसे रहा, सुकरात सर्वभौमिक विचारों को सामने लाना, कैसे, संवाद से, तीनों स मिल गए। थॉमसन, एजुकेशन एज एनवायरमेंटल इंपैक्ट, इतनी बात याद रखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन नहीं है, शिक्षा किसी व्यक्ति पर वातावरण के प्रभाव है जिनका लक्ष्य प्रवृत्ति आचरण और मानसिकता में स्थायी परिवर्तन करना है। तो यहां थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी डेफिनेशन। तो वेस्टर्न में साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी की जो रिसर्च है सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट का इंपैक्ट लर्नर पर देखती है, इसकी बात की जा सकती है। एरिस्टोटल जो प्लेटो के स्टूडेंट थे, एरिस्टोटल का मैं टी भी उठा सकता हूं, दो बार टी आया है, क्योंकि टी से ट्रुथ, ये याद रखने के लिए, ट्रुथ एंड हैप्पीनेस, टी एच मैंने यहां लिख लिया, ट्रुथ एंड हैप्पीनेस याद रहा। आप हिंदी भले अरस्तु से स से सच्चाई और खुशी ऐसे जोड़ सकते हैं, स से ही इसका साउंड माइंड, लिव इन ए साउंड बॉडी, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी एनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू कंटेम्पलेट सुप्रीम ट्रुथ गुडनेस एंड ब्यूटी। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस की इंडियन लिटरेचर में भी बात बार बार हुई है, सत्यम शिवम सुंदरम की, उससे कंपेयर भी कर सकते। शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग का निर्माण है, इतनी कोटेशन भी दे सकते हो अगर आपको लंबी लगती है। जो व्यक्तियों को पूर्ण खुशी के लिए सर्वोच्च सत्य, अच्छाई और सुंदरता के पर विचार करने में सक्षम बनाती है, ये तीन बातें जरूर ऐड कर सकते। अरस्तु की परिभाषा को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये एंशियंट वेस्टर्न डेफिनेशन है, इसको अरस्तु यहां लिखेंगे और यहां पर साउंड स्वसत भी लिख सकते हैं, स से स को जोड़ा है, यहां बॉडी और माइंड लिख लिया, और माइंड के लिए सत्यम शिवम सुंदरम नहीं लिखना, उसका इंग्लिश वर्जन लिखना है, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस। रूसो के जीन जैकोब, इनकी ई को उठाना है यहां, रूसो में ई को, सॉरी उठाना है, ई को क्यों उठाना है, अर्ली एक्सपीरियंस पर जोर देते हैं, इनका प्रारंभिक अनुभव, एजुकेशन बीइंग बिगिंस एट बर्थ विद एक्सपीरियंस एज द फॉररनर ऑफ परफेक्शन, शिक्षा जन्म से शुरू होती है, अनुभव को पूर्णता के अग्रदूत माना जाता है। अब एक्सपीरियंस पर इतना जोर दिया कि इन्होंने
अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को प्लेयर पर जोर देने के लिए, मतलब पेन से परे होने रखने के लिए कहा कि पेन बच्चे को कुछ नहीं देनी, उसके लिए इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट दिया। नेगेटिव एजुकेशन में इन्होंने कहा था कि ये जो बुक्स है ना उनको तो जला ही दो, खत्म कर दो, बस एक्सपीरियंस एक्शन डूइंग। इन्होंने टीचिंग लर्निंग के अपने एक्सपीरियंस को, इमाइल इनकी बुक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है टीईटी में भी, इमाइल उसमें एक्सप्लेन किया है। इनकी डेफिनेशन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी की, अनुभवात्मक सीखने पर जोर देती है। फ्रॉबल एजुकेशन इज एफ से जोड़ लिया है, वैसे इनकी डेफिनेशन में क्या आता है, एजुकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द चाइल्ड मेक्स द इंटरनल एक्सटर्नल, ये इंपॉर्टेंट है, अनफोल्डिंग देयर पोटेंशियल, द सेंट्रल आइडिया है अनफोल्डिंग, ये यहां भी लिखा है अनफोल्डिंग ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि फ्रॉबल इनका नाम है और फोल्डिंग याद हमने रख लिया, फोल्डिंग को अनफोल्ड करना है, पोटेंशियल को ऐसे याद रख लिया। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा अपनी क्षमता को उजागर करते हुए आंतरिक को बाहर बनाता है, उसके लिए फ्रॉबल गिफ्ट्स टॉयज का इन्वेंशन किया गया। फ्रॉबल की जो डेफिनेशन है इननेट कैपेबिलिटीज और जन्मजात क्षमताओं को बाहर निकालने की बात करती है, जैसे हमने लिटरेरी मीनिंग एजुकेशन में भी देखा था। यहाँ पर शैक्षिक खिलौनों की बात आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, ये क्या है समझ लेना चाहिए, ये टॉयज वुडन टॉयज हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, बुक्स नहीं उनको दी जाती, उनको खिलौने दिए जाते हैं, उनसे खेलते हैं और वो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, तो इन जो टॉयज हैं उनको फ्रॉबल गिफ्ट्स कहा जाता है। फ्रॉबल ने ही जो दिया था किंडरगार्टन का, जिसको केजी हम बोलते हैं, हमारे सिस्टम में अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट है स्पेंसर, स्पेंसर के भी एस को उठाया स्पेंसर, और सिनोनिमस विद कंप्लीट लिविंग, इट मीन होलिस्टिक एजुकेशन की बात ये कर रहे हैं स्पेंसर। हिंदी वाले स्पेंसर के पी को उठा सकते हैं, पूर्ण जीवन के रूप में शिक्षा, इट मीन सभी पहलुओं के सभी डायमेंशन को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो टीच किए जाएंगे। नेक्स्ट है हॉर्ने, हॉर्ने को याद रखने के लिए मैं क्या, मैंने हॉर्न को याद रखा कैसे, पौ पौ। हॉर्न क्या है, एक डिवाइस है, एक उपकरण है, एजुकेशन एक उपकरण उन्होंने कहा, जिसके द्वारा हम सामाजिक समूह अपना अस्तित्व जारी रख सकता है, खुद को नवीनीकृत करता है और अपने विचारों का बचाव करता है, तो इनका जो सेंट्रल आइडिया है सोशल ग्रुप कंटिन्यूटी है। एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हो प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू, मूल्यों को की पहचान को संरक्षित रखना और प्रसारित करना, अगली जनरेशन तक पहुंचाना। नेक्स्ट है जॉन डीवी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एजुकेशन इज नॉट प्रेपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इट्सेल्फ। तो लाइफ इट्सेल्फ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको डायग्राम, ये वर्ड्स आपने कौन से यूज करने हैं, कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चे को स्कूल में देना है, ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, लाइफ और एजुकेशन इंटीग्रेटेड पार्ट एक्सपीरियंस है, और कंटिन्यूअस एजुकेशन, मीनिंगफुल एजुकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल, सभी एजुकेशन की इकट्ठे बात करनी है। ये डेफिनेशन फ्यूचर के लिए प्रेपरेशन जो डेफिनेशन है उनका विरोध करती है। एप्लीकेशन इसकी रियल में क्या है, इंटर्नशिप है, रियल नॉलेज को अप्लाई करना है, वही करिकुलम होगा स्कूल में जो सिर्फ रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये सेंट्रल आइडिया है। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन है, सिर्फ ये डेफिनेशन है डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन की, जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पर जोर देती है, कंट्रोल एनवायरनमेंट आता है नियंत्रित वातावरण के रस्मी शिक्षा जो है, इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, एजुकेशन एनकंपासेस ऑल प्रोसेसेस बाय विच द पर्सन डेवलप्स प्रैक्टिकल एबिलिटीज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स इन सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड बाय कंट्रोल एनवायरनमेंट। शिक्षा उन सभी प्रतिक्रियाओं को शामिल करती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति नियंत्रित वातावरण से प्रभावित होकर समाज में व्यवहारिक क्षमताओं, दृष्टिकोण और व्यवहार को विकसित करता है। ये जानते हैं कि प्लेटो के टीचर सुकरात को जहर दे दिया गया था, जहर किसने दिया था, किंग ने, तो प्लेटो की फिलॉसफी कैसे चेंज हुई थी, उन्होंने ये आइडिया दिया था एजुकेशन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड, जो समाज में ज्यादा टैलेंटेड हाईली इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी वाले हैं और हाईली मॉरल भी हैं
उनको रिग्रेस ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जाए। ये रिपब्लिक में उन्होंने अपने विचार दिए थे। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन, ये मोस्ट टैलेंटेड पर्सन जो थे, ये फिलोसोफर और किंग बनेंगे और ये सही रूल कर सकते हैं। अदरवाइज मूर्ख लोग जो किंग बनेंगे तो वो सुकरात जैसे अच्छे टीचर और फिलोसोफर को जहर देते रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एजुकेशन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड किसने दिया था? प्लेटो ने। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डीवी की तरह है। पेस्टोलॉजी का पी इंपॉर्टेंट क्यों है? फादर ऑफ मॉडर्न पेडागोजी। देखिए पी से पेस्टोलॉजी, पी से पेडागोजी, पी से प्राकृतिक विकास के रूप में शिक्षा, सारे मिल रहे हैं, है ना। एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव। टीईटी में कई बार पूछी जा चुकी है, नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव। हार्मोनियस शब्द जो है टैगोर की डेफिनेशन में भी आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको इग्नोर करना है, कर सकते हैं। नेचुरल एंड प्रोग्रेसिव, ये देखिए पी यहां भी प्रोग्रेसिव मिल गई है, आप जोड़ सकते हो। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इननेट पावर्स, शिक्षा जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य पूर्व और प्रगतिशील विकास है। तो इन्होंने इननेट जो पोटेंशियल है उनको डेवलप करने पर जोर दिया है। हर्बर्ट एच से ही है, रिपीट हो रहे एच से, गुड मॉरल कैरेक्टर। हर्बर्ट की एसोसिएशन नहीं होती, हरे भरे भागों के साथ कर सकते हो, अच्छे नैतिक चरित्र के लिए जो है एजुकेशन है। डेफिनेशन क्या है? शिक्षा अच्छे नैतिक चरित्र का विकास है, बहुत संक्षेप डेफिनेशन है। उलिच रॉबर्ट, उलिच के सी को कांस्टेंट, क्योंकि ये शब्द किसी ने यूज नहीं किया, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन, इतनी करके भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एजुकेशन इज कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन अमंग द पीपल एंड ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। शिक्षा लोगों और वस्तुगत दुनिया के बीच में निरंतर निर्देश है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी, इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रॉबल था, फ्रॉबल फिलोसॉफिकल अप्रोच ज्यादा थी, इनकी साइंटिफिक अप्रोच ज्यादा थी। इन्होंने जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं ना, उनकी सेंसेस को डेवलप करने के लिए काम किया था। इनका भी एन उठाए गए, एन से क्या है, एजुकेशन एज नेचुरल चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड पहले शब्द नहीं आया, फ्रॉबल और ये जो मॉन्टेसरी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जो इन बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में इनकी रही है। प्राकृतिक बाल केंद्रित प्रक्रिया के रूप में शिक्षा, एजुकेशन इज नेचुरल प्रोसेस कैरीड आउट बाय द चाइल्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस। दूसरा एक्सपीरियंस पर जोर है, नॉट जस्ट लिसनिंग द वर्ड। शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो बच्चे द्वारा अनुभवों को अनुभवों के माध्यम से की जाती है, ना कि केवल शब्दों को सुनकर। इट मीन्स इनका भी डूइंग पर जो है जोर होगा। सो फोकस क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्सपीरियंशियल, अनुभवात्मक शिक्षा पर जोर है। मोंटेसरी स्कूल वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, ये अपने टीचर को भी खुद ही ट्रेनिंग देते हैं, आपकी बीएड नहीं चलती यहाँ पर। मान, मान साहब, आप किसी भी मान साहब से जोड़ सकते हो ना, गुरदास मान, भगवंत मान, दी ग्रेट, ऐसे करके याद करना है। आपकी बनती है नहीं बनती, ऐसे मत होना, अपने यार सेंसिटिविटी को मत हिलाना, यूज करना इसको कि हमने जोड़ना है, याद करना है। एजुकेशन इज द ग्रेट इक्वलाइजर, यही बात है, सिर्फ सेंट्रल आइडिया। मान साहब द ग्रेट इक्वलाइजर। अब इक्वलाइजर की बात है, इट मींस के सामाजिक सोशो इनइक्वालिटी को दूर करने की बात करेंगे। ऑफ द कंडीशंस ऑफ मैन बैलेंसिंग सोशल इनइक्वालिटी, शिक्षा सामाजिक असमानताओं को संतुलित करते हुए मनुष्य की स्थितियों को संतुलित करने वाली महान कारक है। इतनी में याद हो गई डेफिनेशन। तो ये इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर जो बराबर समान मौके जो देने हैं शिक्षा के लिए, उस पर जोर देगी। एडम, इसको मैंने कैसे याद रखा, आ दम, है ना, दो हिस्से कर लिए, तो ये बाइपोलर, दो पोल है एजुकेशन के, यही बताते हैं। ये क्वेश्चन टीईटी में पूछा जाता है, एजुकेशन इज द बाइपोलर प्रोसेस इन विच वन पर्सनैलिटी एक्ट्स एज अनदर टू मॉडिफाई द डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट इंटरेक्शन। द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, है ना, जिसमें दो जने कौन है, एक टीचर है और दूसरा स्टूडेंट है, इनके बीच में निरंतर इंटरक्रिया होती है जो कॉन्शियस है, इंटेंशनल है, डेलिब्रेट है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन के करीब घूम रही है। हाँ, इसके बाद ट्राइपोलर सिस्टम भी किसी ने कहा है। तो इस परिभाषा में टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की बात, शिक्षक और छात्र के बीच में जो बात
बातचीत इंटरेक्शन होता है, फॉरेन में फीडबैक जो सिस्टम पर एज टीचर इंटरेक्शन होता है कि बच्चा काम कर रहा है और उस टीचर फीडबैक देता है कि यहाँ ठीक है यहाँ गलत है, तो इसकी एग्जांपल दी जा सकती है। नन एन नन के मैंने यू को याद रखा, यूनिकनेस। यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस इंडिविजुअलिटी पर जोर देती है। नन इट मींस यूनिकनेस या इंडिविजुअलिटी पर जोर देंगे। टीपी नन व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा। एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी, ये है सेंट्रल आइडिया। एनेबलिंग देम टू मेक ओरिजिनल, ओरिजिनल जब हम बात आ गई क्रिएटिविटी की बात आएगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, बच्चे शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास है जो उन्हें अपने मानव जीवन में मौलिक योगदान देने के लिए, मौलिक अपने मौलिक विचारों का योगदान देने के लिए सक्षम बनाती है। तो ये क्रिएटिविटी पर जोर देंगे, ह्यूमन यूनिकनेस पर जोर देंगे, रचनात्मकता पर जोर देंगे। जीन पियाजे, जिनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी करनी है, पीछा नहीं छोड़ना। पी आई आई इनकी हमने उठा ली, पियाजे और इनोवेशन है ना, क्रिएटिविटी और इनोवेशन मिलते हैं, आप इनोवेशन को यूज कीजिए। द प्रिंसिपल गोल ऑफ एजुकेशन इज क्रिएटिंग इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ डूइंग न्यू थिंग्स, नॉट जस्ट रिपीटिंग द पास्ट थिंग। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो नई चीजें करने में सक्षम हो, ना कि पुरानी चीजों को दोहराने में, जैसे हम टेक्स्ट बुक को यूट्यूब को दोहराते रहते हैं, ऐसे नहीं, ये कोई एजुकेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू पियाजे। इट मींस पियाजे की डेफिनेशन, जो दुनिया की रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए पर जोर देती है, ये भी डूइंग पर और रिफ्लेक्शन पर जोर देगी। नेक्स्ट है एडलर, एडलर को याद नहीं करना आप, अच्छा एडलर को हिटलर बोल सकते हो याद करने के लिए सिर्फ, और बोल के नेचुरली वो पावर के पीछे पड़ा हुआ था। तो एडलर की डेफिनेशन में पावर और कैपेबिलिटीज सेंट्रल हैं। क्या है? शिक्षा मनुष्य की शक्तियों और क्षमताओं को विकसित प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। देखिए ये आइडिया रेपिटेशन है, एबिलिटी कैपेबिलिटी पावर्स, लेकिन एक शब्द को उसके साथ जोड़ के एग्जाम में इसके लिए हेल्प मिल जाती है। तो इसके लिए लिबरल जो आर्ट है, उदार कला है, उसका एग्जाम्पल दी जा सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग कम्युनिकेशन, इसकी एग्जाम्पल दी जा सकती है। रेमंट है, इसके रे को मैं उठा के ये किरणें लगातार लाइफ लॉन्ग चलती हैं, जहां इसके टी को ऐसे बना के एल के साथ जोड़ के मैं लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट इसका सेंट्रल आइडिया उठा सकता हूं। तो डेफिनेशन क्या है कि शिक्षा शैशव काल, मतलब इन्फेंसी से मैच्योरिटी तक, शैशव काल से परिपक्वता तक शारीरिक सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल विकास की प्रक्रिया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, लाइफ लॉन्ग हो गई, और तीनों एस्पेक्ट बॉडी सोशल एंड स्पिरिचुअल इन्होंने उठाया, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नेक्स्ट है कांट इम्यूअल, कांट वैसे याद रहता है, इम्यूअल नहीं याद रहता, लेकिन इससे आई से है इंटेलेक्चुअल, एम से है मॉरल, ऐसे आप जोड़ सकते हो। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल फैकल्टीज, रेपिटेशन है, इसको आप अगर कोई और डेफिनेशन ऐसी मिलती है छोड़ भी सकते हो, बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं का विकास करना। नेक्स्ट है वाइट हेड, वाइट हेड के एक तो ये है कि आप हेड बनाते हो, यहाँ इसको यार अप्लाई करना है, हेड में नहीं रखना, ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा है ए को वाइट हेड के को उठाया, और आर्ट ऑफ यूटिलाइजिंग नॉलेज, शिक्षा ज्ञान का उपयोग करने की एक कला है। कैरियर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की एग्जांपल इसमें दी जा सकती है। एडम्स की एच बी, ये एच बी है, देखिए वो सही है, सेम है या नहीं, तो इनकी जो सेंट्रल आइडिया है इस डेफिनेशन का एम्पावरमेंट है, इसको छोड़ भी सकते हैं। शिक्षा लोगों का नेतृत्व करना आसान बनाती है, लेकिन चलाना मुश्किल बनाती है। तो ये डेफिनेशन ऑपरेशन का रिसिस्ट करना, मतलब उत्पीड़न का, शोषण का विरोध करने पर जोर भी देती है। लोकतंत्र में शोषण के विरुद्ध लड़ने का अधिकार आपको है, वो एजुकेशन देती है। यीट्स, यीट्स का बेशक सेंट्रल आइडिया बेशक याद रखना है नहीं रखना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी कोटेशन बहुत ज्यादा यूज होगी। एजुकेशन इज नॉट फिलिंग बकेट लाइटनिंग द फायर, बहुत आसान है, शिक्षा बाल्टी भरना नहीं है बल्कि आग जलाना है, इसको समझ लेना चाहिए। बाल्टी क्या है? ये बाल्टी दिमाग है, हम कैसे भर रहे हैं, ये मैं भी बाल्टी शायद भर रहा हूं, आपके बीच में डाल रहा हूं, इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं, मेमोराइजेशन डाल रहा हूं, है ना, आप एक्टिव नहीं हो। दूसरी तरफ क्या है कि मैं, ये भी बाल्टी भर रहे हैं ना इनकी, तो बाल्टी भरने के उल्ट क्या हो सकता है,
कि ये इनकी क्यूरियोसिटी जगा दे, इनको लव फॉर लर्निंग ये सिखा दे, तो ये खुद ही सीखेंगे। आग जलाने का मतलब है जैसे जुगनू बिना किसी को जलाए हुए रात को रोशनी दे देता है, ऐसे ही एजुकेशन रोशनी दे, लेकिन लर्नर के अंदर वो जो है क्रिटिकल थिंकर, एक्सप्लोर करने की इच्छा जाग जाए, वही प्यार जाग जाए, रटने रटाने के काम जो है वो बंद हो जाए। कॉम्युनिस्ट, कॉम्युनिस्ट का एम उठाएंगे, ह्यूमैनिटी नहीं बनी बात, ये ठीक है। जॉन कम्युनिस्ट, जॉन का एच ह्यूमैनिटी, ये पहले किसी ने बात नहीं की। दूसरी बात है ये फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है, शिक्षा मानवता का सच्चा निर्माण स्थान है, इतनी बात भी कर सकते हो, जो व्यक्तियों को वास्तविक बनाने में केवल शब्दों का समूह बनने से बचने के लिए आवश्यक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात करेगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बहुत रिपीट होने वाली कोटेशन है, मार्टिन के आई को ये उठा लीजिए, इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, बहुत ज्यादा रिपीट होगी पूरी डेफिनेशन। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच इंटेंसिव, आई से इंटेंसिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेंसिव टे इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, ये छोटी डेफिनेशन करके आपके सामने रख रहा हूं। शिक्षा का कारण गहन और आलोचनात्मक सोच सिखाना है, जिसका लक्ष्य बुद्धिमत्ता के साथ साथ चरित्र भी बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन में। मंडेला, ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाली है, जैसे ये मंडेला मैंने लिखा और इनके ऊपर ऐसे जो नीचे है उल्टा बना दिया, ये W से बन गया वेपन, वेपन फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड, दुनिया को बदलने के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली साधन है। नेचुरली ये सामाजिक असमानताओं को मिटाने के लिए एजुकेशन को यूज करने की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कोटेशन है मेलाकॉम एक्स, मेलाकॉम एयरपोर्ट पर आप खड़े हो, पासपोर्ट आपका लड़ गया, ये है पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टूडे, है ना, ये एजुकेशन है। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, कल उनका है जो आज इनकी तैयारी करते हैं, यार बड़ी अच्छी कोटेशन है, याद कर लेनी चाहिए। तो आज तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिकल स्किल्स नॉलेज जो यूज आनी है लाइफ में, कैरियर में, एम्प्लॉयबिलिटी में। लॉक, लॉक के क को सी को याद करके कैरेक्टर, कल्टिवेटिंग कैरेक्टर दोनों मिल रहे हैं, इतना याद रखेंगे। शिक्षा से सज्जन व्यक्ति की शुरुआत होती है, इतना भी काफी है, लेकिन पढ़ना अच्छी संगति और चिंतन से उसका खत्म होना चाहिए, से खत्म होना चाहिए, इतनी भी काफी है। एजुकेशन बिगन्स द जेंटलमैन, शुरू वाले पॉइंट यहां पर आप रिपीट कर सकते हो, जैसे एजुकेशन एज लाइफ, कैरेक्टर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ह्यूमैनिटी, इंक्लूसिव अप्रोच, प्रैक्टिकल नॉलेज एक्विजिशन, रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इन बातों को आप दोहरा के इनको कंक्लूड कर सकते हो। वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जो TET या UGC के में जो क्वेश्चन आते हैं MCQ, उसकी वीडियो का लिंक नीचे दिया गया होगा, और इसको शॉर्टकट वीडियो का लिंक भी नीचे दिया गया होगा। थैंक यू।